हेलो एवरीवन, आई एम सुप्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक हो गाइज। सो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा अफोर्डेबल मेकअप ट्यूटोरियल। आई होप कि आपको आज का मेकअप पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड कॉमेंट करके भी बताइए कि आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा। एंड मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा गाइज, प्लीज़। सो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं यहाँ गुड वाइब्स का टोनर यूज़ कर रही हूँ एंड इसे सेट होने के बाद मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ विटामिन ई फेसियल ऑयल। 2 से 3 ड्रॉप लेके मैं इसे अच्छे से अपने पूरे फेस में मसाज कर लूँगी ताकि वो मेरे फेस में अच्छे से सेट हो जाए। आई मेकअप मुझे पहले करना था तो मैंने अपने आईलेट पे कंसीलर से एक बेस क्रिएट कर लिया है, वो क्लिप मुझसे डिलीट हो गया, आई एम रियली सॉरी। एंड अब मैं एक ब्राउन शेड लेके अपने क्रीज पे एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। लाइक आपको ब्लेंड नहीं करना है, एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ कर लेना है सिर्फ। एंड आप छोटा सा ब्रश लीजिए, बहुत ही ईजिली हो जाएगा। अब मैं एक ऑरेंज शेड लेके जस्ट उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ब्राउन जो मैंने अप्लाई किया था जस्ट उसके ऊपर। ओके, उसको भी ब्लेंड नहीं करना है अभी। अब मैं एक येलो शेड लेके एंड अब इन दोनों को मैं ब्लेंड कर लूँगी। ये बहुत ही सुंदर लुक आएगा गाइस, आप अच्छे से ब्लेंड कीजिए काफ़ी। ये एक ऐसा शेड है लाइक ब्राउन एंड ऑरेंज येलो, ये सब एक में मिक्स होके एक अच्छा सा शेड क्रिएट हो रहा है। ये आप किसी भी कलर के ड्रेस के साथ ईजिली कर सकते हो आई मेकअप। सो मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंड हो जाने के बाद मैं एक ब्लैक शेड लेके अपने आउटर वी पे एक वी क्रिएट कर लूँगी। पहले मैं अगेन उसी ब्रश की हेल्प से, एक छोटा सा ब्रश है उसके हेल्प से वी क्रिएट करूँगी, उसके बाद में इसे ब्लेंड कर लूँगी। बहुत ही आराम से करना है आपको, ज़्यादा फैलाना नहीं है एंड बहुत ही इजीली ये हो जाएगा। अब मैं ओलिविया के स्टिक से अपने आईलेट पे कट क्रीज ड्रॉ कर रही हूँ। छोटे से ब्रश की हेल्प से आपको थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेके आपको कट क्रीज ड्रॉ कर लेना है। मैं यहाँ हाफ कट क्रीज ड्रॉ कर रही हूँ एंड बहुत ही इजीली हो जाता है गाइस। देखने में बहुत ही ज़्यादा लगता है कि कौन करेगा इतना तामझाम, बट आप करोगे ना एक बार ट्राई करके देखिए, बहुत ही इजीली हो जाएगा। मैं फिंगर की हेल्प से ना कंसीलर को थोड़ा थोड़ा ब्लेंड कर रही हूँ। आप चाहो तो छोटा सा ब्यूटी ब्लेंडर आता है उसे भी यूज़ कर सकते हो। ओके, अब मैं हाइलाइटर पैलेट से एक गोल्डन शेड लेके अपने जहाँ मैंने कट क्रीज ड्रॉ किया था जस्ट वहीं पे अप्लाई कर रही हूँ। मैं ब्रश को लाइक ऐसे ब्लेंडिंग जैसे करते हैं वैसे नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट धीरे धीरे करके उस पर अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने कंसीलर को किसी भी कॉम्पैक्ट या पाउडर से सेट नहीं किया था। तो अगर मैं उसे लाइक ऐसे घिसने लगूँगी तो वो अच्छा लुक नहीं आएगा, वो उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। तो आप जस्ट अपने हाइलाइटर को लीजिए ब्रश से एंड अप्लाई कर दीजिए। अब मैं जो भी मेरा हार्श लाइन था वो मैंने जो कंसीलर से कट क्रीज किया था तो उसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ ताकि वो एकदम एक दूसरे में मर्ज हो जाए, तो समझ में ना आए। ओके, अब मैं ब्लू हेवन के लाइनर से एक लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। बहुत ही पतला सा लाइन है, आपको कोई भी विंग क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैंने आई मेकअप कट क्रीज किया है एंड अपने आउटर वी पे ब्लैक कलर यूज़ किया है। तो यहाँ पे आप नॉर्मल सा भी आई लाइनर यूज़ कर सकते हैं, लाइक थोड़ा सा बस पतला सा एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, दैट्स इट। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल सा आई मेकअप हुआ है गाइस। अब मैं अपना फॉल्स आई लेसेस अप्लाई करके आ गई हूँ ऑफ कैमरा। आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप यूज़ करो यार, फिर रहने दो। मैं जोया का मॉइस्चराइजर लेके अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। अच्छे से मसाज करते हुए अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है, बिल्कुल भी जल्दी नहीं है, आपको धीरे धीरे करके मसाज करना है एंड पूरे फेस में अप्लाई कर लेना है। प्राइमर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एप्सी का प्राइमर एंड इसे मैं अपने फिंगर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके मैं पहले टी जोन पे अप्लाई करूँगी एंड थोड़ा सा जो बचेगा अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी। फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का फाउंडेशन, जो कि काफ़ी लोगों के पास है, आई थिंक सबके ही पास है, वो अंडर 200 में आपको ईजिली मिल जाएगा। इसमें मेरा शेड है नेचुरल बेस, नहीं सॉरी नेचुरल मार्बल आई थिंक,
एंड इससे मैं जस्ट अप्लाई कर लूँगी अपने पूरे फेस में। छोटे से ब्रश की हेल्प से मैं डॉट डॉट करके अप्लाई कर रही हूँ एंड हो जाने के बाद मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंडिंग आप थोड़ा सा टाइम लेके करो ताकि आपका ब्लेंडिंग प्रॉपर हो। मैंने ब्लेंड करते समय कोई भी वीडियो का क्लिप डिलीट नहीं किया है एंड मैंने बहुत ही फास्ट रखा है, तो आप देख सकते हो कि मैंने बहुत टाइम तक अपना लाइक ब्लेंडिंग किया है। मैंने मेरे से यहाँ गलती हो गई थी थोड़ी सी, मैं बहुत जल्दी में थी तो मेरा आई मेकअप थोड़ा सा ख़राब हो गया था। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि आप जब आई मेकअप कर रहे हो पहले, तो अपना बेस क्रिएट करते समय, बेस बनाते समय बहुत ही आराम से आई के अराउंड ब्लेंड कीजिएगा ताकि आपका आई मेकअप ख़राब ना हो। सो ब्लेंड हो जाने के बाद मैं अपने ईयर एंड नेक में भी अप्लाई कर रही हूँ फाउंडेशन। ओलिविया के स्टिक से मैं अपने फेस को हाईलाइट कर रही हूँ मुझे जहाँ अप्लाई करना है, एंड मैं इसे अप्लाई करके अगेन उसी ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी। बहुत ही परफेक्टली ब्लेंड होता है एंड ये तो मेरा फेवरेट है। लाइक ओलिविया का स्टिक कंसीलर तो अंडर 200 में मिल भी जाता है एंड ये मतलब बहुत ही अच्छा कवरेज देता है गाइज। समर सीजन में भी काफ़ी परफेक्टली वर्क करता है, आप चाहो तो इसे परचेस कर सकते हो। अब मैं यूज़ कर रही हूँ किस ब्यूटी का कॉन्टोर स्टिक एंड इससे मैं अपने फेस को कॉन्टोर कर रही हूँ। अच्छे से अप्लाई करके मैं अगेन उसी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी, बहुत ही इजीली हो जाता है। एंड अब मैं क्रेलोन से एज अ ब्लश यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही फनी लग रही हूँ आई नो। अब मैं इसे ना ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से धीरे धीरे करके ब्लेंड कर रही हूँ। प्रॉपरली आपको ब्लेंड कर लेना है एंड वाइट टोन के पाउडर से, फेस पाउडर से अपने पूरे फेस को बेक कर रही हूँ ताकि मेरी जो क्रीज पड़ जाते हैं वो ना पड़े। आप भी बहुत ही जल्दी से कर लिया कीजिए। मैं अभी अजीब सा लग रहा है पूरा फेस, मैं इसे रिमूव करूँगी जो भी एक्स्ट्रा पाउडर है। जब तक ये सेट होता है तब तक मैं अपने आईब्रो को फिल कर लेती हूँ। आईब्रो फिल करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का आईब्रो डिफाइनर एंड जितने भी मेरे फेस पे एक्स्ट्रा पाउडर लगे हुए थे मैं उसे रिमूव कर लूँगी। बहुत ही हल्के हाथों से करना है आपको, एकदम ब्रश बहुत ही हल्के हाथों से चलाना है। काजल के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ परसोनी का काजल एंड जस्ट अपने वाटर लाइन में अप्लाई करके एक ऑरेंज जैसा कुछ सीड है, ब्राउन ऑरेंज ये ना लेके मैं स्मज कर लूँगी काजल को अपने, थोड़ा स्मोकी लुक आए। एंड मस्कारा के लिए मैंने मार्स का मस्कारा लिया, अप्लाई कर लिया है अच्छे से एंड अपने पूरे बेस को फिक्स करने के लिए स्पेस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर यूज़ कर लिया मैंने। हाइलाइटर अप्लाई कर लिया है एंड हाइलाइटर को अप्लाई करने से पहले मैंने ब्रश पे मेकअप फिक्सर अप्लाई किया है, स्प्रे किया है ताकि मेरा जो हाइलाइटर है एकदम लाइक नेचुरल इफेक्ट दे, थोड़ा सा चंकी पार्टिकल्स है तो वो ना लाइक वो ना समझ में आए। अब मैं लिप के लिए मैं रेड वही जो मैंने ब्लश यूज़ किया था उसी से मैं ड्रॉ कर रही हूँ एंड एक न्यूड शेड लेके अप्लाई कर लूँगी, परसोनी का ब्लू लिपस्टिक। सो ये है मेरा फाइनल लुक गाइज। आई होप कि आपको आज का मेकअप लुक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए एंड कमेंट करके बताइए कि आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। बाय बाय।